इन्हें फेक चाइनीज एग्स कह रहा है जो चीन से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि लोकली कुछ लोग इन्वॉल्व हैं नकली अंडों के सिंडिकेट में। माना आज के इस दौर में हर चीज में मिलावट है, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसे कुछ लोग चंद कागज के टुकड़ों के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर उतारू। क्या स्वार्थ इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर किसी और की बलि चढ़ा दी जाए तो भी जायज। इन मिलावटखोरों के जमीर जैसे नीलाम हो गए हैं इस बाजार में शौक खरीदने के लिए। आज हम इस वीडियो से खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे बनाए जा रहे हैं ये नकली अंडे। भारत में नकली अंडा बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। यहाँ अंडे का अंदरूनी पीला भाग यानी कि योक और उसका बाहरी सफेद हिस्सा यानी कि एग व्हाइट सोडियम एल्गिनाइट एल्यूम जिलेटिन खाने योग्य कैल्शियम से तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें पानी और खाने के योग्य रंगों को मिलाकर उसे हूबहू असली अंडे की शक्ल दी जा रही है। सबसे पहले हल्के गर्म पानी यानी गुनगुने पानी में पर्याप्त मात्रा में सोडियम एल्गिनाइट लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाकर अंडे के सफेद आकार की तरह तैयार किया जाता है। फिर इसे जिलेटिन और बेंजोइक एसिड एल्यूम व अन्य दूसरे रसायनों के साथ मिलाकर अंडे का सफेद हिस्सा तैयार किया जा रहा है। अंडे के पीले हिस्से को तैयार करने के लिए सिर्फ पहले से तैयार मिश्रण में खाने योग्य पीले नींबू का रंग दे दिया जाता है। इसके बाद तैयार सफेद और पीले हिस्से को कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिश्रित कर अंडे के आकार में ढाल दिया जाता है। नकली अंडे के कारोबार का ये था असली सच। देखने में असली और नकली अंडे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। इनको सिर्फ देखकर इनके बीच का अंतर समझ पाना इतना आसान नहीं। इनके बीच का अंतर समझने के लिए इसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। कैसे, आइए बताते हैं। इन छह चीजों का ध्यान रखिए आप। अगर आपने इन छह टिप्स को फॉलो किया तो आप पहचान लेंगे कि नकली अंडा कौन सा है और असली अंडा कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, नकली अंडे की सबसे पहली पहचान होगी कि इसका छिलका थोड़ा सख्त होगा, हार्ड होगा। असली अंडे की तुलना में ये थोड़ा खुरदुरा भी होगा। इसके अलावा छिलके के अंदर रबर नुमा कोटिंग भी होगी। नकली अंडों की पहचान करने का एक आसान तरीका है उसकी चमक। अगर आपको अंडे के छिलके उजले और अधिक चमकदार नजर आए तो समझ लें कि अंडे नकली हो सकते हैं, क्योंकि असली अंडों पर ज्यादा चमक नहीं होती। नंबर दो, अंडे के छिलके को देखने के बाद आप अंडे को फोड़िए। इसको फोड़ने पर इसके अंदर का पीला योक और सफेद हिस्सा बाहर निकलेगा। यहां आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, वो ये कि नकली अंडे को फोड़ते ही उसे प्लेट में निकाल कर देखने पर इसका योक कुछ ही सेकंड में पिघल कर सफेद हिस्से के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं असली अंडे का पीला योक तब तक नहीं पिघलता या फटता जब तक आप इसे खुद अपने हाथों से फेटेंगे नहीं। नंबर तीन, अगर आप अंडे को हिलाकर देखें तो असली अंडा कभी आवाज नहीं करेगा, जबकि नकली अंडे को हिलाने पर आप इसके अंदर से साफ आवाज आती सुन सकते हैं। नंबर चार, नकली अंडे के छिलके को जलाकर देखें तो इसका प्लास्टिक कोटिंग जल जाएगा। इसके जलने से बिल्कुल प्लास्टिक के जलने की बदबू जैसी स्मेल आएगी और ये धीरे धीरे आंच से सिकुड़ता जाएगा जैसे प्लास्टिक सिकुड़ता है। नंबर पांच, नकली अंडों की एक और पहचान है कि पक जाने के बाद ये पानी में डूबते नहीं बल्कि ऊपर ही तैरने लगते हैं। वहीं असली अंडे उबल कर भारी हो जाने की वजह से पानी में डूब जाते हैं। नंबर छह, नकली अंडों को कई दिनों तक भी बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो भी इनमें ना तो मक्खियां भिनभिनाएंगी और ना ही चींटियां इनमें कोई भी इंटरेस्ट लेंगी, ना ही चींटियां आएंगी। इन छह टिप्स का ध्यान रखिए और जितना हो सके इन छह टिप्स को सभी के साथ शेयर जरूर करें। एक ही बात बोलना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि किसी का नुकसान कर वो अपना घर चला लेंगे, अपने शौक पूरे कर लेंगे, उन्हें तो ऊपर वाला देगा सजा। लेकिन अगर आप एक ग्राहक, एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह जानते हुए कि इस जगह नकली अंडा मिल रहा है या आपके साथ कुछ घटा ऐसा और आपने दूसरों को सचेत नहीं किया, इस चीज की रिपोर्ट नहीं की, इन मिलावटी लोगों को शह दी मात्र ये सोच के कि छोड़ो ना, क्यों लड़ने जाए उनसे, हम किसी दूसरी दुकान से ही ले लेते हैं, अगर आपने ऐसा सोचा तो याद रखना आप भी इन मिलावटखोरों के बराबर जिम्मेदार होंगे इस जुर्म के। भारत में अंडों की बहुतायत में खपत होती है। अपना शरीर बनाने वालों से लेकर छोटे नन्हे बच्चों और कमजोर मरीजों तक को डॉक्टर अंडे खाने की सलाह देते हैं। ऐसे में अगर आपने जानबूझकर इन मिलावटखोरों की रिपोर्ट नहीं की तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। दोस्तों, जितना हो सके फर्ज निभाइए अपना और इस वीडियो को भी भारत के हर कोने तक फैला दीजिए। धन्यवाद।